तो चलिए स्वामी रामदेव से जानते हैं ऐसे यौगिक उपाय जो जेनेटिक बीमारियों की चेन को तोड़े ताकि रोग पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर न हो जाए। स्वामी जी स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज मेरे साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय भी हैं कि ये जेनेटिक एक्सप्रेशन जो रोंग डायरेक्शन में म्यूटेशन होता है उसको हमें कैसे योग के द्वारा ठीक करना है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास में वर्ल्ड में पहली बार ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको हम रियल वर्ल्ड एविडेंस कहते हैं कि जेनेटिक अर्थराइटिस था, जेनेटिक बीपी शुगर था, जेनेटिक अस्थमा था, जेनेटिकली बोन्स कमज़ोर थी, लीवर किडनियाँ कमज़ोर थी लोगों की और उनको हमने ठीक कर दिया है। ये बड़ी बात है। वैसे तो आज अद्भुत अद्भुत उदाहरण है यहाँ पर। विशाखा विभूते है बोले स्वामी जी बड़ी कष्ट लेकर के आई थी, प्रोफेसर है और उसकी बेटी को भी अब पेट की बीमारी बता दी, खड़े होना, अब दोनों अच्छी हो गई हैं। एक बार पहले तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दो। विशाखा जी और तुम इसकी बेटी का क्या नाम है? हाँ अदिति विभूते। इसको क्या बता दिया था? इसको स्वामी जी इसको आईबीएस बताया था। हाँ। और आईबीएस में ये बोल रहे थे आईबीएस भी। अब ये भी ऐसा बोलते हैं कभी ठीक नहीं होता, कुट जारिश कुटस गनवट इसे ठीक हो जाएगी तेरी बेटी। जी जी स्वामी जी कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट है थोड़ा। तो कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट और कुट जारिष्ट दोनों साथ में ले लेना, दोनों साथ में लेना है। हाँ। जी अब इसके आगे बैठी है ये जो है स्वामी जी पद्मा खनाल, इसको प्रोटीन लीकेज हो रहा था और शुगर और एक बार सूजा हुआ था। दूसरी इसके बगल वाली तो ज्यादा ही खुश हो रही है। तेरे क्या ठीक हो गया? ओम बाबा जी। शुगर भी ठीक कर ली? मेरा शुगर ठीक हो गया, अब कल तो 110 आया। जेनेटिकली था? जेनेटिकली था, मेरा बाबा पिताजी का, मेरा पिताजी का था। पिताजी से शुगर आया। हाँ। और इसने ठीक कर लिया कितने दिन में? मेरा तो अभी यहाँ आई हुई तो 5 ही दिन हो गई, आज हमारा चेकआउट है। तो सभी राम रोंचा ठीक है बाबा जी, राम रोंचा तो उसको बगल वाली को देना। ये बड़ी खुश हो रही थी। मैं आगरा से आई हुई हूँ। हाँ। और मेरा नाम गीता अग्रवाल है। और मोटी हो गई थी? नहीं, 5 किलो वेट कम कराया मैंने 7 दिन में। तो पतली थोड़ी थी और वेट कम करूंगी बाबा जी। और क्या ठीक किया? मैंने ऑक्सीजन लेवल भी कम करी। कितना था ऑक्सीजन लेवल सोने पर? 85 था, 99 हो गई अब। क्या बात है, 99 आ गया। पैरों में सूजन थी 4 महीने से, डॉक्टर के वक्त 4 महीने से एक दिन तेल लगाने से, पिटान तक तेल लगाया उससे सही हो गई। सच्ची बोल रही है जी? ऐसे ही प्रचार कर रही है पिटान तक तेल का। अच्छा एक भाई साहब हेडमास्टर हैं, वो सुनते नहीं थे। अब लोग देखो ये भी आजकल ना बहुत बड़ी बीमारी हो गई। क्या नाम है हेडमास्टर साहब? ओम स्वामी जी, मेरा नाम टेकचंद शर्मा है, कैथल जिले में। मैं तीतरम के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर मैं हेडमास्टर हूँ। ये कर। हाँ। और मैंने 3 MD डॉक्टरों को दिखाया था, एक कैथल में थे, एक कुरुक्षेत्र में और एक पटियाला में। तीनों ने ही मुझे बोल दिया था कि आपका बाहर का कान तो ठीक है परंतु अंदर के कान के अंदर गड़बड़ होगी, आपकी नसें वीक हो गई हैं, ये ठीक नहीं हो सकता, उम्र के हिसाब से लॉस हो गई। ईयर ड्रॉप तो डाला और क्या लगाया? तो मुझे यहाँ पर इसका नाम मैं आपको मिला था परसों, तो आपने कहा मुझे लीज थेरेपी कराओ, तो मैंने लीज थेरेपी कराई और उन्होंने बिलवादी का तेल डाल करके मेरी मालिश करी। आज मेरा 7वां दिन है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मुझे काफी हद तक मुझे लगता है कि मैं 90% अब मुझे ठीक हूँ। चलो बहुत आशीर्वाद। तो अब ये सीमा बैठी है, बोली थी 3 दिन में दर्द ठीक हो गया। इसके पीछे बैठा हुआ है आर्यमन। 15 साल से मेरा बैक पेन था, देखो मैं ऐसे बैठ नहीं सकता था, अब देखो आपके सामने बैठ के लगा के दिखाता हूँ। राम राम। बिना मैं सच कहता हूँ जी, मैं कभी बिना घोटे घुटने के हाथ लगाए कभी खड़ा नहीं होता था 15 साल। ये हालत इसका था सीमा का, परंतु अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। चलो बहुत आशीर्वाद इसको सीमा को। ये लोगों से ना इंस्पिरेशन मिलते हैं, ये तो बड़ी अब जो है ना एकदम योग की मॉडल जैसी हो गई है। क्या था सीमा? सीमा भी असीम पीड़ित थी। प्रणाम बाबा जी। तेरा भी घुटना नहीं मुड़ रहा था? मैं सीमा पारिक, मैं जयपुर से हूँ, मैं भी टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में ही। हाँ। मेरी ये थी कि मैं बहुत पहले तो बैठ पाती थी लेकिन मैं नीचे बैठती थी तो एक पैर मुझे सीधा ही करना पड़ता था, आलती पालती नहीं लगा पाती थी। हाँ। और वो मेरा अभी 3 दिन जो वो गर्म पोटली वाला सेक और जो मालिश की है वो इतनी अच्छी और इतनी इम्प्रेसिव है कि मैं कल सिर्फ उस थेरेपी के लिए सबसे पहले भागी कि नहीं मुझे वो करवानी है। और ये शोल्डर है कि मैं थोड़ी देर कपड़े भी सुखाती थी तो मेरे दर्द हो जाता था। अब क्या हाल है? अब मेरे बहुत अच्छा है कि मैं आधा घंटे हाथ ऊपर करके खड़ी हो सकती हूँ स्वामी जी। बैठ के दिखा
और पैर ऐसे हैं कि मैं आलती पालती भी लगा सकती हूँ और मंडूक आसन में भी बैठ पा रही हूँ। इसके पीछे आर्यमन है, आर्यमन तेरे को क्या? धन्यवाद। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई उम्र हो, कोई उम्र का बंधन नहीं। मेरे 2 साल से जुखाम थी, वो मैं अभी मेरे दूसरे दिन से सारी बंद हो गई जुखाम। सारी 3 दिन में ठीक? स्वामी जी, मेरा 5 किलो वजन भी कम। यहाँ पर एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है स्वामी जी, कि जो यहाँ पर जनरेशन है, जनरेशन से जनरेशन तक जो ट्रांसफर हो रही है, बीमारियां नहीं, वो अच्छी आदतें, योग ट्रांसफर हो रही है। और इसी का आज टॉपिक हमारे पास है ज्योत्सना स्वामी जी। और ये जो लाइव एग्जांपल ट्रांसफर हो रहा है और इनकी खुशी बता रही है कि कैसे इन्होंने बीमारियों को दूर भगाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।